हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गोभी गाजर और शलगम का अचार ये रेसिपी मेरी मम्मी की है और वो बहुत टेस्टी बनाती हैं ये अचार इवन अगर कोई सब्जी नहीं होती खाने के लिए तो मैं इसे रोटी के साथ भी खा जाती हूँ तो ये बहुत टेस्टी बनता है और इसमें कोई ऑयल नहीं डलता है सिर्फ चार मसाले डलते हैं आइए फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं इस टेस्टी टेस्टी अचार की रेसिपी तो इसके लिए हमने तीनों सब्जियाँ ले ली हैं जिसमें है शलगम गोभी और गाजर और इन तीनों की क्वांटिटी मिलाकर होगी 500 ग्राम यानी कि आधा किलो तो इन्हें काटना मम्मी ने शुरू कर दिया है तो इन्हें हम पीसीस में काट लेंगे लंबे लंबे पीसीस में काट लेंगे तो फ्रेंड्स जब तक सब्जियां कट रही हैं पानी भी बॉयल हो रहा है तो पानी बॉयल होने के बाद जब पानी बॉयल हो जाएगा गैस कर देनी है बंद और कटी हुई सब्जियां जो हमने काटी हैं उन्हें हमें उस पानी में डाल देना है सिर्फ थर्टी से फोर्टी सेकेंड्स के लिए यानी कि आपको उसके अंदर डाले नहीं रखना है वरना सब्जियां गल जाएंगी और साथ के साथ ही उन सब्जियों को आपको फटाफट निकाल लेना है एक छाननी में जैसे कि मम्मी ने फटाफट निकाल लिया है छान्नी में निकालने के बाद आपको इस अचार को सुखाना है यानी कि गीले अचार में अभी रेसिपी हम आगे स्टार्ट नहीं करेंगे तो अब ये अचार सूखेगा जिसे सूखने में लगभग पांच से छह घंटे लग सकते हैं तो फ्रेंड्स इसके आगे का एक स्टेप मुझसे मिस हो गया है जो कि मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आ, मैं अवेलेबल नहीं थी उस टाइम और मम्मी ने यह अचार सूखने के बाद डाल दिया तो इसके लिए अब आगे हमें कुछ नहीं करना है हमें इसमें देखिए एक चम्मच नमक एक चम्मच लाल मिर्च आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच छोटी वाली राई जो होती है ना ये देखिए तो ये चारों मसाले लेके इनके अलावा आपको कोई ऑयल नहीं डालना है इसमें सिर्फ ये चार मसाले इसमें डलेंगे तो अचार के लिए हमने ली है एक कांच की बोतल जिसमें हमने सूखा हुआ अचार डाल दिया है उस पर मसाले डाल दिए हैं और उसे अच्छे से हिला लीजिए क्योंकि देखिए अचार जो है प्रिजर्व रहता है कांच की बोतल में ही अच्छे से प्रिजर्व रहेगा और ये अचार आपका पंद्रह से बीस दिन चल जाएगा अगर आपकी छत पे धूप आती है या कहीं भी धूप आती है आपके घर के आसपास तो आप इसे वहां रख सकते हैं ये तीन से चार दिन में रेडी हो जाएगा और तीन से चार दिन के बाद आप इसे खा सकते हैं ये देखिए ये है हमारा तीन से चार दिन के बाद का बना हुआ अचार तो जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपने ये अचार ट्राई किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आपके लिए आती रहूं थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज